गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेट्रो सिटी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको यह दिखाएंगे कि पायल होती क्या है और पायल किस लिए की जाती है, उसके बारे में बताएंगे। दोस्तों, अब वीडियो हमने स्टार्ट कर दिया है। पायलिंग के लिए इतने बड़े से बड़े स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, उसमें पायलिंग के द्वारा ही वो स्ट्रक्चर तैयार होता है, और क्यों पायल की जाती है इसके बारे में सब कुछ दिखाया जाएगा। स्टार्ट कर दी गई है दोस्तों, वीडियो देखिए ध्यानपूर्वक। अब इसमें क्या है, सबसे पहले हम क्या पॉइंट लेते हैं, सर्वे के द्वारा पॉइंट लिया जाता है। दो पॉइंट अभी यहाँ पर लिया गया है, ये व्हाइट कलर का जहाँ पर हमने चूना डाला था, इसके ऊपर में अभी ये मशीन है, रिग मशीन है। रिग मशीन के द्वारा जो है इसको जो है एकदम राउंड में कटिंग किया जाता है। जो राउंड में अभी जो कटिंग कर रही है इसको दोस्तों अगर बोलते हैं। अगर भविष्य में जो भी दोस्त, जो भी भाई इंजीनियरिंग करके आते हैं, उनको मालूम नहीं होता कि पायलिंग होती क्या है और किस लिए की जाती है। अब दोस्तों, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक आप देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन हमने वीडियो बनाई गई है। वीडियो को अंत तक अवश्य बात कीजिएगा दोस्तों। यह देखिए दोस्तों, अगर के द्वारा पूरा सॉइल को बाहर निकाला गया है। स्टार्टिंग इसको इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इसको जो है सॉइल कटिंग करनी होती है। बाद में इसमें क्या है, बॉकेट को जॉइंट किया जाएगा इस मशीन के अंदर, जो है फिर बॉकेट से कटिंग की जाएगी बढ़िया तरीके से। अभी क्या है, आपका जो है 4 से 5 मीटर अगर सही किया जाता है, जिसमें जो है केसिंग बैठाया जाता है। केसिंग बैठाने के बाद जो है बॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। अभी दोस्तों ये कटिंग हो रही है, अब इसके बाद हम जो है केसिंग लाएंगे, इसमें जो है केसिंग बैठाएंगे। अभी भली भांति स्वेच्छापूर्वक हमने पूरी मशीन आपको दिखा दी है। अब दोस्तों ये केसिंग आ गई है, हेड्रा मशीन है जो इसको लेते हुए आगे आ रही है। यह जो है इसमें बैठाया जाएगा क्योंकि कटिंग इसी के सरफेस पर से आगे जाएगी बराबर। अब दोस्तों हमने ये डाल दिया है, केसिंग बैठा दी है। केसिंग किस तरह से बैठाई है इसको हम अभी पूरा आपको दिखा रहे हैं। प्रॉपर पॉइंट पर सेंटर पर बैठानी होती है ये दोस्तों। ये केसिंग हमने पूरी बैठा दी है। केसिंग में एक होल होता है जिसके द्वारा बेंटोनाइट या पॉलीमर बाहर निकाला जाता है। दोस्तों ये पॉलीमर टैंक होता है, आज के समय में अब पॉलीमर ही यूज होता है क्योंकि यह विदेशी एक एडमिक्चर है, बहुत महंगा है और बहुत अच्छा एडमिक्चर है। पॉलीमर इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि अगल बगल की सॉइल जो है नीचे ना गिरे, सॉइल कलप्स ना हो किसी तरह से। अब दोस्तों हम सीधे आपको पॉलीमर दिखा रहे हैं, पॉलीमर के टैंक पर ले आए गए हैं, यही पॉलीमर बनाया जा रहा है। यही एडमिक्चर केमिकल है दोस्तों, कहीं रोड में अगर गलती से गिर जाता है तो कई वाहन इसमें फिसल सकते हैं, इसलिए इसको बड़ी स्वेच्छापूर्वक ले जाया जाता है टैंक पर से केसिंग तक। उसके बाद केसिंग के अंदर इसको छोड़ा जाता है, तब जा करके एक्सकेवेशन स्टार्ट किया जाता है। अब दोस्तों ये एक्सकेवेशन हमने कर दिया है, इसके बाद अब जो है इसमें जो है केज डाला जाता है, जो सरिये का जाल जिसको बोलते हैं वो डाला जाता है। ये हम आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा मौसम आज साफ नहीं है तब क्लियर नहीं आ रहा है। एक जाल दोस्तों हमने अंदर डाल दिया है, यह पॉलीमर है जो आपको दिखा रहे हैं, पानी का जैसा अंदर दिख रहा है पॉलीमर है। पॉलीमर के बाद ये केज डाला गया है। पॉलीमर इसलिए डालते हैं जो कि अगल बगल की सॉइल जो है नीचे कलप्स ना हो, सॉइल नीचे ना गिरे एक्स्ट्रा। अब दोस्तों यह केज इसमें क्या है, काफ़ी ज़्यादा 3 से 4 एक पायल में केज डाले जाते हैं, जाल डाले जाते हैं, इसलिए डाले जाते हैं। और ये उसके बीच में लप किया जाता है दोस्तों। अभी लप किस तरह होता है, लप करने के बाद उन सरियों को वेल्ड किया जाता है। ये वेल्डिंग प्रोसेस अभी चल रहा है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। दोनों जाल के सरियों को लैप करके वर्ल्ड किया जाता है, तब जा करके जाल अंदर डाला जाता है। करीबन 40 से 50 मीटर अंदर डाला जाता है, अर्थ लेवल से, जमीन लेवल की, जमीन के ग्राउंड लेवल से 40 से 50 मीटर अंदर जाता है एक पाइल का, वो एज पर डिजाइनर के अनुसार। अब जो भी रिक्वायरमेंट होती है इस हिसाब से। अब इसमें दोस्तों हेलिकल बांध रहे हैं, हेलिकल मिल्स या रिंग बांधे जाते हैं। दोनों जाल के बीच में जो लैप वर्ल्ड होता है उसमें बाद में हेलिकल बांध के इसको अंदर लोअर किया जाता है। दोस्तों ये केज अब हम अंदर डाल रहे हैं, लोअरिंग कर रहे हैं। दो केज हमने जोड़ दिए हैं, दोनों केज अंदर डाल दिए गए हैं। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन आज वीडियो बनाई गई है, पूरा समझ में आ जाएगा आपको। अब ये केज अंदर डालने के बाद हम कैसे रोकते हैं यह प्रक्रिया भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि इसमें अगला केज और वेल्ड होता है, तो हमने यह
आपको अभी दिखा दिया है किस तरह से वेल्ड किया है, क्योंकि वीडियो में और के दिखाने और जाल दिखाने पर वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, इसलिए दोस्तों हमने जो है शॉर्ट शॉर्ट में अभी बनाया है। इस प्रकार के सरिया के धारा जो है इसको रोका जाता है। देखो दोस्तों, दो सरिये, एक सरिया का रॉड डाल करके उसमें हुक वेल्ड होता है। हुक में जो है ये हमने इसको रोकने की यह प्रक्रिया होती है। अब जो है ये हम सीलिंग को खोलेंगे, सीलिंग को अब हम इसके बाद ऊपर टॉप में लगाएंगे। यह प्रक्रिया बड़ी ध्यानपूर्वक आप देखिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई गई है। ये देखिए दोस्तों, ये हमने अब सीलिंग खोला, हुक में लगा दिया। अब हुक के द्वारा हम इसको लोअर करेंगे। ये देखो दोस्तों, अब हुक वेल्ड हो रहे हैं इसमें। अब बाद में इस जाल को ये हुक के द्वारा केसिंग और जो है पकड़ लिया जाए, केसिंग के साथ जो है हुक को जो है कैच कर लेगा। अभी हम आपको यह तरीका भी दिखाएंगे और क्या है, जो सीलिंग हमने लगा रखी है वो बहुत बढ़िया तरीके से निकल जाएगी। ये देखिए दोस्तों किस तरह से हम इसको यहाँ फंसाएंगे। ये हुक हमने बैठाया है केसिंग टॉप में, केसिंग ऑफ इसको बोलते हैं, जो लोहे का राउंड वाला हमने डाला हुआ है। यह दिखा दिया, भली बात हमने जूम करके दिखा दिया। हुक देखो दोस्तों किस तरह से हमने इसे फंस गया है, दूसरे साइड का हुक अभी नहीं फंसा है, उसको वहीं पर वेल्ड कर देंगे। अब दोस्तों अगली प्रक्रिया आप जान लीजिए, अगली प्रक्रिया आप कर रहे हैं ये पाइप डालने की, ठीक है। इसे टर्मी पाइप बोलते हैं। इसी के द्वारा पूरे पाइलिंग के अंदर जो है कंक्रीट होता है, आप कंक्रीट भी करना है, जब जाल डाल दिया तो कंक्रीट होना है। यह बॉटम पाइप होता है, देखो टर्मी पाइप का बॉटम किस तरह का होता है आपको दिखा दिया, और पाइपों में ऐसा नहीं होता है, इसको बोलते हैं बॉटम पाइप, बॉटम टर्मी। सबसे पहले यही जाता है, बॉटम पाइप जाएगा, उसके बाद इसमें ये सारे पाइप जो है जुड़ जाएंगे। 40 मीटर तक का है यहाँ पर, अभी 40 मीटर एक्सवेशन अभी किया हुआ है, 40 मीटर अंदर तक के हमको पाइप डालने होते हैं। ग्राउंड एक्सवेशन लेवल से, एक्सवेशन बॉटम लेवल से 500 ऊपर तक आपको जो है ये टर्मी पाइप अंदर डाले जाते हैं। ये पाइप क्योंकि 500 इसलिए ऊपर डालते हैं, कंक्रीट जब ऊपर से हम डालेंगे वो फैल होता जाएगा, इधर उधर मतलब गिरता जाएगा आसानी से। ये देखिए दोस्तों, ये टर्मी पाइप बैठाने की प्रक्रिया है। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन हमने वीडियो बनाई है, पूरे समझ में आ जाएगा आपको पाइल किस तरह से की जाती है। अगर ये वीडियो आपने देख ली तो किसी से आपको पूछने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही बेहतरीन एक एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा पाइल के बारे में, पाइल कैसे की जाती है, एक एक पॉइंट भली भांति दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये अगले पाइप आ रहा है, उस पाइप में ये अभी जो है हमने ग्रीसिंग भी कर दी थी पाइप के टॉप मूवमेंट, जिसमें थ्रेड था। ये दोस्तों ये दो पाइप होते हैं, मेल और फीमेल इनको बोला जाता है, दोनों जो है एक दूसरे से ज्वाइंट हो गए हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से इसे ज्वाइंट करना पड़ता है। अगर कहीं भी हल्का भी अगर लूज रहेगा तो एयर चले जाएगी, एयर चले जाएगी तो कंक्रीट हो नहीं पाएगा, टर्मी पाइप में सब जाम हो जाएगा कंक्रीट। दोस्तों भली भांति टाइट करने होते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से हैमर के द्वारा भी टाइट किए जाते हैं, कहीं पर अगर नहीं घूम पाते तो हथौड़ा मार के भी जो है उसको टाइट करते हैं। बिल्कुल एयर इन दोनों के बीच से एयर बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। दोस्तों ये पाइप हमने निकाल दिया है, अब दूसरा पाइप जुड़ गया है, अब हम इसको अंदर लोअर कर देंगे। ये देखिए दो, इसी तरह से बारी बारी सारे पाइप एक के बाद एक इसमें 40 मीटर तक जुड़ते जाएंगे। इसके बाद इसमें जो है बॉकेट जोड़ा जाता है, वह बॉकेट की प्रक्रिया भी हम आपको दिखाएंगे, जिसके द्वारा कंक्रीट अंदर डालेंगे, उसे बॉकेट बोलते हैं हम। अब दोस्तों ये जोड़ दिया पाइप, देखो किस तरह से हम ये पाइप जोड़ने की व्यवस्था बना के रखते हैं। ये पाइप जोड़ दिया, अब हम इसको ये खोल रहे हैं, ये टर्मी हेड होता है, इसको अभी खोला गया थोड़ा मार के। इसी के द्वारा अब दूसरा लाया जाएगा पाइप, वो भी जोड़ दिया। अब पाइप की प्रक्रिया पूरी हो गई है दोस्तों, 40 मीटर हमने डाल दिया है। अब आ गया है ये बॉकेट, आ गया दोस्तों कंक्रीट बॉकेट बोलते हैं दोस्तों। अब इसी बॉकेट के द्वारा जो है कंक्रीट अंदर जाएगा। अब हम इसे फिट करने के बाद टर्मी पाइप के ऊपर, उसके बाद आपका कंक्रीट का ऑर्डर कर देंगे, कंक्रीट आ जाएगा और इसी के द्वारा कंक्रीट अंदर जाएगा।
फिर दोस्तों जिस तरह से हमने जो है अभी पाइप डाले थे उसी तरह से जैसे कंक्रीट अंदर जाता जाएगा, हम पाइप को बारी बारी एक एक पाइप करके ऊपर निकाले जाएंगे। जैसे जैसे कंक्रीट बिल्टअप आपका बढ़ता जाएगा, कंक्रीट नीचे बढ़ता जाएगा, हो तो आएगा, उसी तरह से पाइप की प्रक्रिया काटनी होती है। उसको हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे किस तरह से पाइप काटा जाता है, कितना कंक्रीट अंदर जाने के बाद पाइप काटना है, उसके बारे में भी अगली वीडियो में आपको सारा बताया जाएगा। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन हम वीडियो बनाते हैं, इसलिए दोस्तों जो नए भाई लोग हैं, जो पुराने हैं उनके लिए तो ठीक है, वो तो काम कर रहे हैं, जो नए हैं उनके लिए सीखने का बहुत ही बढ़िया मौका होता है दोस्तों। क्योंकि जो भी इंजीनियर, जो भी सुपरवाइजर भाई जो है स्कूल से आते हैं, कॉलेज से आते हैं, उनको जो है नॉलेज नहीं होता, इस बारे में मालूम नहीं होता कैसे किया जाता है। इस वीडियो को देखिए दोस्तों, पूरा नॉलेज आ जाएगा A to Z। अब हमने देखिए दोस्तों, ये जाली हटा दी गई है, अब जो है इस बॉकेट को अंदर डाल देंगे। जाली हमने क्यों लगाई थी, क्योंकि अपनी सेफ्टी पर्पज से, क्योंकि कोई आदमी टर्मी डालते समय, पाइप डालते समय अंदर न गिर जाए, क्योंकि बोर तो 40 मीटर अंदर है दोस्तों, जो गिर गया वो कभी बाहर नहीं निकल सकता। बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है दोस्तों। ठीक है, यह बॉकेट हमने बैठा दिया है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब हम आपका कंक्रीट मंगाएंगे। ये कंक्रीट का गाड़ी आ गया है दोस्तों, इसको मिलर बोलते हैं, या ये कंक्रीट आपका टीएम बोला जाता है। ये टीएम आ गया है, कंक्रीट की गाड़ी आ गई है, चार प्लांट से ऑर्डर किया था। ये कंक्रीट डालना अब इसमें दोस्तों स्टार्ट कर दिया गया है। देखिए दोस्तों कितनी बढ़िया तरीके से हमने आपको दिखाया है, एक एक पॉइंट दिखा दिया गया है। अब कंक्रीट दोस्तों इसमें डल रहा है, बेस में एक होल होता है, इसके द्वारा टर्मी पाइप के अंदर से पूरा कंक्रीट अंदर जाता है। जो 500 का जो नीचे अंदर छोड़ के रखते हैं पाइप, उसी प्रकार से ये फैलता हुआ आ जाता है दोस्तों। कंक्रीट नीचे से पूरा ऊपर तक आपको भरते हुए आएगा। ज़्यादा पाइप जब हो जाता है, ज़्यादा गाड़ियाँ डल जाती हैं, एक दो गाड़ियाँ डलने के बाद फिर हम उसी रेशो से पाइप काटना शुरू करते हैं, पाइप निकालना शुरू करते हैं। काटने का मतलब निकालना शुरू करते हैं एक एक पाइप करके दोस्तों, और वो नीचे से पूरा आपका 1500 डाई का पाइप आइलिंग है दोस्तों। तो ये आपका 1500 डाई की पाइल हो रही है, तो 1500 डाई की पाइल जो होते हुए ऊपर को आ जाएगी दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये पाइप हमने निकालना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अभी दो तीन गाड़ियाँ माल डाल दिया है, कंक्रीट अभी डाल दिया, तो पाइप काटना अब शुरू हो गए हैं। ये देखिए दोस्तों, वही प्रक्रिया सेम है, जैसे डाला वैसे निकालना शुरू कर दिया है। निकालने की प्रक्रिया आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि भली बात है आपके समझ में आ जाए वीडियो। अभी लोअर किया था, अब लिफ्टिंग कर रहे हैं, अब पाइप को ऊपर निकाल रहे हैं। ये जो एक पाइप आपका 1.5 मीटर होता है, कहीं कहीं पर आपका 3 मीटर भी होता है दोस्तों, एक एक मीटर के भी होते हैं। एज फॉर ठीक है, कंपनियां होती हैं, जिस तरह से अपना मैनेज करती हैं उसी तरह से पाइप डाला जाता है। तो ये पाइप निकालने की प्रक्रिया है, ये भी हमने आपको दिखा दिया। ये लॉक पर बैठा दिया है, अब जो पाइप निकाल गया। अब दूसरी गाड़ी हमने चालू कर दी दोस्तों, बगल से। अब हमने अभी दोबारा इसलिए दिखा रहे हैं, ये जो पानी निकल रहा है ये पॉलीमर है दोस्तों, केमिकल आपका मिक्सचर है, यही दोबारा जटन होकर टैंक में वापस जा रहा है, क्योंकि इसे कहीं गिराना नहीं होता। कहीं अगर रोड में कहीं पर ऐसी जगह में गिर जाता है तो कई हादसे हो सकते हैं, इसलिए आपको दिखा रहे हैं। ये दोबारा रिटर्न होगा, यहाँ से देखो ये दोस्तों, ये रिटर्न हो गया। यहाँ मोटर लगी रहती है, उसने जैसे जैसे कंक्रीट अंदर गया वैसे वैसे एडमिक्सचर और केमिकल ऊपर आता गया, उसमें बिल्कुल केमिकल नहीं रहता दोस्तों, सब ऊपर निकल जाता है, क्योंकि यही प्रक्रिया आपकी जो है पाइलिंग कही जाती है। अब दोस्तों ये पाइलिंग का जो है ये पानी आपका रिटर्न हो रहा है, केमिकल पानी, पॉलीमर इसका नाम बोलते हैं। उसके बाद ये साउंडिंग आपका चेन होती है दोस्तों, इस चेन के अंदर डाल के चेक किया जाता है कि अभी कितना हो गया कंक्रीट और कितना हमें करना है। इसी चेन को डालने के बाद ऊपर से हम जो है टेप से इसका मेजरिंग कर लेते हैं, कितना बचा है उस हिसाब से और ऑर्डर कर देते हैं या दोबारा फिर एंड कर देते हैं। अब दोस्तों सारा हो गया, उसके बाद आपका जो 1 वीक के बाद या 15 डेज के बाद हम एक्सीवेशन स्टार्ट करते हैं। ये एक्सीवेशन हमने स्टार्ट कर दिए थे, ये पाइल हुई थी इसी तरह से, एक खड्डे के अंदर जो है 8-9 पाइलें हैं, 9 कर रखी थी दोस्तों। देखो अभी पाइल के बाद जो है एक्सीवेशन हमने किया, फिर ये इसको चिप किया जाता है दोस्तों, इसको ब्रेकिंग करके ऊपर वाला कट ऑफ लेवल से ऊपर का जो एक्स्ट्रा रहता है पाइल हेड उसको निकाल दिया जाता है। निकालने के बाद ये दोस्तों हमने दिखा दिया, ये जो सरिया होता है इसी पर आपका पाइल कैप का सरिया रेस्ट होता है, एक पियर इसी से आप निकलेगा दोस्तों। ये 8-9 पाइलें आपकी जो है, 9 पाइलों का एक ग्रुप था, इसी के बीच से एक
एक पेयर निकलेगा, क्योंकि उन सब का लोड जो है इन नौ पैनों के ऊपर ही आपका डाइवर्ट होगा। हो ठीक है, इन फ्यूचर भविष्य में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि लोड जो है जमीन पर न होकर के इन नौ पैनों के ऊपर जाएगा एक पेयर का लोड, तो ठीक है प्रॉपर ढंग से लोड जो है डाइवर्ट हो जाता है। उसके बाद एक हैवी स्ट्रक्चर एक तैयार किया जाता है दोस्तों। आगे हम आपको जो है ये सोने के जो हमने ये सरिया निकाल दिया, सरिया साइड में निकाल करके ये पाइल हेड निकाल दिया। अब हमने दोस्तों देखो इस तरह से ये बन जाता है, ये पाइल हेड का सरिया जो आपको दिख रहा है व्हाइट व्हाइट हल्का हल्का कंक्रीट लगा हुआ वो है, उसके ऊपर में ये सरिया लगाया गया है दोस्तों। ये जाल बनेगा तब जा करके एक पियर तैयार होगा। हेलो फ्रेंड्स, पूरे जाल का एक दृश्य हमने आपको दिखाया किस तरह से बनता है, और ये जाल दिखा दिया। नेक्स्ट पियर में हम आपको पाइल कैप के बारे में बताएंगे और पियर के बारे में बताएंगे, दोनों के बारे में बताया जाएगा कि एक पाइल कैप और पियर कैसे तैयार होता है, दोनों के बारे में आपको बताया जाएगा। आगे मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ में। थैंक यू।